धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ और अर्धकुंभ के साथ कई बड़े गंगा स्नान मेले का भी आयोजन होता है। लाखों की संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में सबसे बड़ी समस्या अवैध अतिक्रमण से लगने वाला जाम होता है। इसी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर अब सख्त नजर आ रही है। तादी के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि अवैध अतिक्रमण का चिन्हित करण किया जा रहा है और उनको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द वो अपना अवैध अतिक्रमण को हटाए, नहीं तो जेसीबी के माध्यम से बलपूर्वक हटाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि अतिक्रमण हटाते ही सड़कों के चौड़ीकरण की कार्रवाई करे। हरिद्वार दक्ष मंदिर के आसपास भी अवैध अतिक्रमण का चिन्हित करण किया जा रहा है। अपर रोड पर हुए अतिक्रमण को सोमवार को हर कीमत पर हटाया जाएगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हम लोगों ने पहले यहां पर नापजोक की, नापजोक करने के बाद जब एक पिक्चर सामने आ गई तो जो भी लोग यहां स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने थोड़ा सा अतिक्रमण जिनका हो गया था उनको सबको बड़े ही आदर पूर्वक ये अवगत करा दिया गया कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है या निर्माण है वो अतिक्रमण की परिधि में है, तो दो विकल्प हैं, या तो आप उसको स्वेच्छा से हटा लें नहीं तो उसको भी जेसीबी के माध्यम से बलपूर्वक हटाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को भी मैंने निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटते ही सड़क की चौड़ाई के लिए तुरंत कार्य करें, पोल की शिफ्टिंग भी तुरंत की जाएगी।